नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जेंट्स कुर्ते का गला कैसे बनाते हैं वो सिखा रही हूँ। तो ये देखो, हमने जो कल मैंने बताया था कटिंग की थी, तो कटिंग जो है इसका गला जो हमने यहाँ से ऊपर से राउंड से 2 इंच 2.5 इंच काटा है और नीचे को 8 इंच काटा है। तो इसकी पट्टियाँ कैसे लगानी है वो लगाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने इसे ऐसे रखना है और 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हमने। तो इसको जो है क्या किया, ये देखो यहाँ से प्रेस से इसको फोल्ड कर दिया है ऐसे। तो ये हमारा साफ हिस्सा है, बिल्कुल प्रेस से कर लिया हमने। अब इसको क्या करना है, इसके नीचे ये पट्टी ली और पट्टी को ऐसे रखना है, दूसरी साइड से भी हल्का हल्का फोल्ड करना है और इसको एक पैर का बखिया लगाना है। सबसे पहले ऐसे रखना है कपड़ा, अब इसको सिलाई लगानी है पैर का बखिया पूरा। लास्ट पॉइंट तक सीधी बिल्कुल, इसके बाद साइड को मुड़ के एक पैर का बखिया हल्का सा थोड़ी सी चौड़ाई पे। ये बटन पट्टी है हमारी, इतनी चौड़ाई पे जो है इसकी एक सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमारे बटन लगते हैं। अब दूसरी साइड की पट्टी लगानी है। तो ये पट्टी जो है यहाँ लग दिखाओ, ये है, तीन इंच पट्टी है। तो इसको हमने प्रेस से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और हल्का सा यहाँ से बढ़ा के रखा है। ये देखो ये वाला हिस्सा जो है, बाकी इतना हमने फोल्ड किया है प्रेस से। तो इस ये जो हिस्सा है इसमें हमने सिलाई लगानी है, लेकिन कैसे लगानी है, सीधी साइड जो है उल्टी सिलाई आनी चाहिए, फिर उसके ऊपर इसको फोल्ड किया जाएगा। ये सीधी साइड है, तो इस सीधी साइड जो है क्या हो रहा है, ये सिलाई जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। यहाँ से को देखो, इसके ऊपर हमारी ये जो कपड़ा है ये फोल्ड होगा। यहाँ से इसे निकाल दो बाहर, उसके बाद ये कपड़ा निकाल दो और इस कपड़े को इस साइड को फोल्ड करके ऊपर से इसे ऐसे, हाँ, एक बस पैर का बखिया लगा दे बिल्कुल स्ट्रेट। सीधी साइड को हमने फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाई। ये देखो दूसरी साइड और ये बटन पट्टी वाला हिस्सा। इस तरह से ये बंद करके सिलाई नीचे तक लगानी है। जब इसके जॉइंट तक पहुंचते हैं तो उसके बाद इसको यहाँ से पिन अप करना होता है, तब सीधा आता है। ठीक है, जब यहाँ तक पहुँचेंगे उसके बाद इसको पिन करना। अब ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा और इसको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे एक सुई लगा दो। ये ऊपर जो बढ़ गया है ना, ये बराबर करो। बराबर क्यों नहीं है, ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है। ये जो बढ़ गया है कपड़ा, इसको बाद में काट देना हमने, हाँ ऐसे करके। अब इसकी स्ट्रेट एक नोक बनानी है। अब इसका हाफ हिस्सा करना है इस पट्टी का, और हाफ हिस्सा करने के बाद इसको फोल्ड करना है और एक नोक बनानी है। बनाओ तो ये दोनों साइड से अच्छी नोक आई। अब इसे ऐसे नोक बनानी है इसकी,
इसका हाफ हिस्सा करना है कपड़े का, और इसको थोड़ा सा आधा एक साइड फोल्ड करना है और आधा दूसरी साइड से एक नोक बनानी है। तो इसको बनाने के बाद इसमें एक सुई जैसे लगा दो, मतलब इसको पिन अप कर दो ताकि ये खुले ना सिलाई मारती बार। ये देखो, चल ठीक है, लगाओ सिलाई। हाँ, ये नोक वाला हिस्से को सिलाई दी जा रही है। इसको बड़े आराम से यहाँ तक जहाँ जॉइंट है, फिर दूसरी साइड मुड़ जाओ। फिर ये वाली सिलाई देखो, जितनी ये गैप है इतना इसको ऊपर से लाके इधर को मुड़ जाओ। डबल सिलाई, वापिस नहीं, यहीं पे खत्म कर दो, नीचे को या ऊपर की साइड लेके। ये देखिए, ये बटन पट्टी तैयार है। देखो, नोक वाला हिस्सा जो है, नोक वाले हिस्से से जहाँ ये जॉइंट होता है वहाँ पे इसको मोड़ दिया जाता है, और इसकी थोड़ी सी दूरी पे दूसरी सिलाई लगा के पूरी बटन पट्टी जो है तैयार है। इस ऊपर वाली बटन पट्टी में काज लगेगा और नीचे वाली में बटन लगेंगे। अगर ये आपको बटन पट्टी लगाना अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।